अफगानिस्तान का म्यूजिक चला दो, इंजॉय कर दिया जरा। हाँ हाँ नहीं, आई एम टोटली कंट्रोल, हाँ मैं नॉर्मल, चलाओ। क्या बोल दे पापा जी को, पागल हो गया उनका बेटा। भैया बिन्नी ऐसी थी, पागल ना करे तो और क्या करे, अफगानिस्तान पूरा जश्न में है तो हम इधर आराम से बैठ जाएं। ओ भाई साहब, क्या मैच, मैच ऑफ द टूर्नामेंट, मेरे नजदीक मैच ऑफ द टूर्नामेंट ये आ चुका है। जोनाथन ट्रॉट पूरी उम्र लगा दी क्रिकेट में, वो बैग को किके मार रहा है, ठीक है, उससे प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा। राशिद खान बेचारा कप्तान, वो 600 दफा उसका सर गया, हाथ मतलब सर के ऊपर उसके हाथ गए हुए थे कि ये क्या चल रहा है, मैं बॉलर ही ठीक था, ये कप्तानी तो बहुत मुश्किल काम है। नबी भाई उनके चेहरे के ऊपर स्माइल थी, वो कूल काम थे, ठीक हो गया। उसके बाद डीजे ब्रावो, मतलब जिसने T20 क्रिकेट का तेल निकाल कर अपने घर में रखे हुए हैं, ड्रम उनमें भरा हुआ है, वो डीजे ब्रावो, वो भाई साहब कहता है ग्रोसरी वालों मैं देख नहीं रहा मैच, ये हमसे नहीं देखा जाएगा, ये प्रेशर मुझसे हैंडल नहीं होगा। मतलब इतना इंटेंस मैच, इतना थ्रिलर, बांग्लादेश वाले मतलब वो ऑलमोस्ट उन्होंने मतलब मैच वो जीत कर वो इनको बायर करने वाले थे अफगानिस्तान को, उनके पास वो वही बात है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले जब उनको कह रहे थे कम ऑन बांग्लादेश, वो समझ आ रही थी भैया ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश वालों को सपोर्ट कर रहा था कि भाई कुछ कर लो, क्योंकि बांग्लादेश जीत जाता, बांग्लादेश ने सर 116 करना था, 115 किया अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, किंगस्टन की पेश थी फारग, उसके ऊपर 115 किया, लो स्कोरिंग मैच था, इन्होंने 12.1 ओवर्स में करना था। बारिश होती रही है, इस मैच की हालत यह है कि इस मैच में ग्राउंड बारिश की वजह से इतना गीला नहीं हुआ जितना इस मैच के प्रेशर, इस मैच की थ्रिल ने मैच देखने वालों को गीला कर दिया पसीने से। मैं बता रहा हूं कि भाई साहब आधा अफगानिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम में ORS पी रहा होगा, बल्कि पूरा अफगानिस्तान ही डिहाइड्रेशन ही इतनी हुई होगी, पसीने निकलवा दिए इस मैच ने। अबे अफगानिस्तान को छोड़ो, इधर मैं बैठा सोच रहा, मैं कह यार अबे मैं क्यों इतना सस्पेंसफुल मैच देख रहा हूँ यार, नहीं रहने देता हूँ भाई, पता लगे मैं कल को लाकर रिपोर्ट बनानी है, थोड़ी सी लेट हो जाए तो उधर DMs में लाइन लग जाती है, फारूक रिपोर्ट नहीं आई, जल्दी करें रिपोर्ट भेजें, वो एक अलग जिसे कहते हैं मेरे सर पे तलवार लटक रही होती है। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ये दिल बचाओ, रिपोर्ट भी करनी है, मैं खुद इस लेवल पर बैठा हुआ था यार। इस मैच ने ना आपको ये बताया कि मतलब लो स्कोरिंग मैच और उसमें अफगानिस्तान किस तरीके से वापस आया, मतलब एक अनबिलीवेबल स्टोरी है यार। आप थ्रू आउट देखें ना स्कोर कार्ड्स के ऊपर, तो आपको अफगान ये बांग्लादेश के लिए जो कैलकुलेशन थी वो इजी नजर आएगी, एंड के ऊपर 12 गेंदों के ऊपर 12 रन, उससे पीछे चले जाएं 18 बॉल्स के ऊपर 16 रन, उससे पीछे चले जाएं 24 गेंदों के ऊपर 20 रन, उससे पीछे चले जाएं 30 गेंदों के ऊपर मेरा ख्याल है 25 के 26 रन, 36 गेंदों के ऊपर चले जाएं तो वहां पर आपको मेरा ख्याल है 30 रन या उससे भी नीचे नजर आते हैं। बांग्लादेश के लिए इट वॉज एन ईजी थिंग, वो बांग्लादेश का वही मैंने आपको बताया ना, बांग्लादेश का इस प्रॉब्लम ये चल रहा है कि वो एज ए यूनिट नहीं खेल पा रहे, उनकी बॉलिंग चल गई है तो बैटिंग उसको बैक नहीं कर पाएगी, बैटिंग चल रही है तो बॉलिंग समाउदी इधर नहीं बैक कर पाएगी, तो बांग्लादेश के लिए ये वो उसमें डिटेल में मैं बात करते हैं। मतलब यार इट्स वन ऑफ दी बेस्ट फीलिंग्स के आप एक ऐसी टीम को सेमीफाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं कि जिसके बारे में आपने कहा था, और मैंने ये कहा था कि अफगानिस्तान को इन विकेट्स के ऊपर लाइट मत लेना, ये मैंने कहा था और मुझे उसकी रीज़न पता थी, 150 के करीब मैचेस का एक्सपीरियंस है, ये जिनको आज आप खेलते हुए देख रहे थे इनमें से ज़्यादातर लड़कूंगा इन्हीं विकेट्स के ऊपर, आप उस एक्सपीरियंस को ऐसे ब्रश ऑफ थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ ठीक है 150 मैच खेल के गए होंगे तो क्या ही फर्क पड़ गया, सरकार वो सीमटी विकेट के ऊपर नहीं खेल कर गए, वो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर इन्हीं पिचेस के ऊपर खेल के गए हैं, दे न्यू 115 एमई नहीं डिफेंड होता, 8 रन से वो जीते हैं डीएलएस मेथड के तहत, और 2 से 3 विकेटें पड़ी हुई थी बांग्लादेश एंड के ऊपर, मैं बांग्लादेश थ्रू आउट मैच जीत सकता था। अब आप लिटन दास को देख लें, उसने यार कमाल की उसने इनिंग्स खेली है लिटन दास ने, वो थ्रू आउट गया है वो बांग्लादेश के बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन उसको उस लेवल का कोई पार्टनर नहीं मिला जो उसकी तरह सोच कर समझ कर खेले, उसने बड़ा अपना कूल काम कंपोजर रखा है लिटन दास ने, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। अच्छा 115 किया अफगानिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर, उसमें जनाब गुरबाज उसने 43 रन किए,
तीन चौके एक छक्का, 78 का स्ट्राइक रेट, 18 किए जादरान ने, 10 किए उमर जई ने और नीचे 19 किए हैं राशिद ने। राशिद ने तीन छक्के मारे, राशिद के तीन छक्के बड़े मैटर कर गए और राशिद ने तीन छक्के मारे बड़े ज़बरदस्त हैं। दो उसने लेग साइड पे मारे हैं, एक वो जो ऑफ साइड के ऊपर वो स्लैश करता है बॉल को वो मारा और तीनों छक्के उसके बड़े छक्के। तीसरा तो बहुत बड़ा छक्का था, तीसरा तो वो जिसे कहते हैं ना ह्यूमंगस टाइप था। जादरान और गुरबाज की पार्टनरशिप लगी 59 रन की 64 बॉल्स के ऊपर। ये पूरे मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, ये पूरे मैच की दी ओनली 50 विकेट पार्टनरशिप है, इसके अलावा कोई 50 विकेट पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा, राशिद और करीम जन्नत 22 रन की इनकी एक पार्टनरशिप थी, 115 किया, इट वॉज अ टफ विकेट। जब आपने 115 किया हो तो आपको पता चल जाता है कि यार बॉलिंग अच्छी हुई होगी परली तरफ से, और वो एज इट इज़ है। तंजीम यार ये ऐसी अजीब सी विकेट थी कि तंजीम के दो बॉल पिच चुए हैं और सब के ऊपर से चले गए, इवन कीपर के ऊपर से भी चले गए। तंजीम का पेस है, तंजीम इज़ अ रियली गुड बॉलर, इसमें कोई शक नहीं है। वो यंग है, एनर्जेटिक है, उसके पास पेस है, उसके पास अग्रेशन है, वो बांग्लादेश का ब्राइट फ्यूचर है। बांग्लादेश के लिए मेरे नज़दीक इस टूर्नामेंट से दो मेजर फाइंड्स हैं, दो मेजर, तंजीम, रिशद। रिशद को मैं इस वजह से कंसिडर करता हूँ कि रिशद करेजियस है, मैं उसको लेग स्पिनर मानते ही नहीं हूँ कि भाई जो प्रेशर में है, जिसको मार पड़ गई है थोड़ी बहुत ही, लेकिन वो बॉल को फ्लाइट ना करे। आप रिशद का जाकर चेक करें, इसको शॉट्स भी पड़ गए हैं, इसने अपनी फ्लाइट देना नहीं छोड़ी। वो लेग स्पिनर ही नहीं है जो फ्लाइट ना दे पाए यार बॉल को, क्योंकि लेग स्पिनर को फ्लाइट जब तक देगा नहीं, वो स्पिन कैसे करेगा गेंद को लेग। ये तो बड़ी सिंपल सी एक बात है। अच्छा, रिशद एक और चीज़ ये है कि वो वेरिएट करता है, उसको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा आप देखिएगा रिशद भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेग स्पिनर बनेगा बांग्लादेश के लिए। ये दो फाइंड्स हैं, मतलब रिशद ने ये साबित किया कि भाई आपको मार भी पड़ रही है, आपने अपने बेसिक्स नहीं छोड़ने, वरना सीधी सी बात है यार, आप एक काम करो गेंद पकड़ो, अपने आप को लेग स्पिनर कह रहे हो तो बस ठीक है, बीच में ठप्पा दे के मारते रहो, आप फिर लेग स्पिनर नहीं हो, आप कटर मारने वाले मीडियम पेसर हो। रिशद ने बताया कि भाई ठीक है मार पड़ गई, और उसने भाई मार खाने या बाउंड्री कह लो, बाउंड्री खाने के बावजूद उसने वो फ्लाइट देता था, वो डंडे उखाड़ता था। इस टूर्नामेंट में उसने ये मल्टीपल टाइम्स किया है। तो तंजीम और रिशद, ये दो बांग्लादेश की फाइंड है इस टूर्नामेंट में, और बांग्लादेश को मेरे नज़दीक अपनी ना टीम के ऊपर कोई वर्कआउट करना पड़ेगा, उनका भी मुझे लग रहा है पाकिस्तान वाला चक्कर है, अब उनको ना नया ब्लड लाना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से। तो होंगे डेफिनेटली, अब तंजीम आया, रिशद आया, और भी लड़के होंगे। अच्छा, तंजीम 4 ओवर्स 36 रन, तस्कीन 4 ओवर्स 1 मैडन 12 रन 1 विकेट, ठीक है, शकीब 4 ओवरों में 19 रन, फिज 4 ओवर 17 रन 1 विकेट, रिशद 4 ओवर 26 रन 3 विकेट्स, ठीक है। सीधी सी बात है यार, विकेट वो टफ थी, उसके ऊपर बांग्लादेश के बॉलर्स ने फुल एडवांटेज लिया, लेकिन फिर बांग्लादेश की बैटिंग एडवांटेज नहीं ले सकी। 116 कोई मुश्किल टारगेट नहीं था, बारिश बीच बीच में होती रही है और कई मौक़ों के ऊपर बारिश के इंटरवल्स में बांग्लादेश एक दो मरतबा, तो मुझे एग्जैक्टली याद है, वो DLS में आगे थे अफगानिस्तान से, वहाँ पर अगर बारिश ना रुकती तो बांग्लादेश जीता हुआ था। अब फिर पता नहीं उस, मुझे वो एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं याद कि बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाता शायद, और अब बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान बाहर हो जाते, बट नहीं, 115। अफगानिस्तान को पता था हमने विकेट लेनी है, और अफगानिस्तान ने थ्रू आउट फिर विकेट्स ली हैं, नवीन 4 विकेट्स, राशिद 4 विकेट्स, यानी कि आपके दो मेजर बॉलर जिनको आउट क्लास करना था उन्होंने ही आउट क्लास किया है। 11वें ओवर में राशिद 2 विकेट्स ले गया, नवीन ने 2 विकेट्स इकट्ठी ली लास्ट ओवर में, और इन दोनों की बॉलिंग एक्सेप्शनल थी, एक्सेप्शनल। लिटन दास प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है यार, उसने बाकी वो सीनियर प्लेयर होने का ना जिसे कहते हैं हक अदा किया। 54 किए 49 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का, 110 का स्ट्राइक रेट, लेकिन इसको ना लिटन दास को साथ नहीं मिला, लिटन दास नॉट आउट गया। अच्छा, तंजीद वो फारूकी ने उसको LBW कर दिया, वो 0 के ऊपर गया। शांटू उनके कप्तान, 5 रन उन्होंने किए, नबी ने कैच किया उनका नवीन की गेंद के ऊपर, शॉट भी इतना खास नहीं था। शांटू नहीं,
उस तरीके से ना शाइन कर पाए इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से उनको एज ए स्किपर करना चाहिए था। शकीब का कॉटन बॉल कर दिया नवीन ने, वो आउटसाइड एज लगा। शकीब भी अजीब फंसे हुए से शॉट खेले उसने, मुझे शकीब के भी शॉट की समझ नहीं आई। पहला बॉल अजीब फंसा हुआ था, वो उसको वापस बॉल को किया नवीन की तरफ, उसके हाथ से लगा, एक दफ़ा फंबल हुआ लेकिन नवीन ने फिर वो पकड़ लिया। अच्छा सोमिया सरकार वो हैवक मारते हुए, मतलब स्लॉग मारते हुए वो बोल्ड हो गए, राशिद ने उनको बोल्ड कर दिया 10 के ऊपर। तोहीद उसने किए जनाब 14 रन 9 गेंदों के ऊपर, उसका इब्राहिम जादरान ने कैच पकड़ लिया राशिद खान की गेंद के ऊपर। महमूदुल्ला वो उनको भी राशिद खान ने आउट किया 6 रन के ऊपर। उसके बाद रिशद उनको बोल्ड किया राशिद ने पहली गेंद के ऊपर, ठीक है। उसके बाद तंजीम उनको नाइब ने आउट किया 3 रन के ऊपर। तस्कीन उसको नवीन ने बोल्ड किया, उसके बाद अगली गेंद के ऊपर तस्कीन को बोल्ड करने के बाद नवीन ने जनाब LBW कर दिया फिज को, तो 115 रन जिसे कहते हैं सॉरी 105 रन ये बांग्लादेश का टोटल था। 8 रन से वो मैच हारे हैं। जितनी मेरा ख्याल है तारीफ की जाए वो कम है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की। इमोशनल सीन्स थे, वो रो रहे थे, मतलब कमाल की जिसे कहते हैं ना आपको सीन्स देखने को मिले हैं। क्या राशिद, क्या उनके बाकी जज्बाती, तो ऑब्वियसली यार इमोशंस उमड़ के आ जाते हैं ना, आपको इतने लोग देख रहे हैं पीछे आपके मुल्क में, उनके जज्बात आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप पर प्रेशर है, आपने कुछ करना है और आप करते क्या हैं कि जनाब आप एक मेजर टूर्नामेंट में जहाँ पर दुनिया की सब बड़ी बड़ी टीम आई हुई हैं आप जनाब आकर सेमीफाइनल में बैठ गए हैं और इट्स अनबिलीवेबल। नवीन 3.5 ओवर्स 26 रन्स 4 विकेट्स नवीन की। फजलियाक फारूकी 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। नबी 2 ओवर 15 रन कोई विकेट नहीं। राशिद 4 ओवर 23 रन 4 विकेट्स। नूर 4 ओवर 13 रन कोई विकेट नहीं। नैब 2 ओवर 5 रन 1 विकेट। ये टोटल स्टोरी है सर मैच की। अफगानिस्तान को जितना कंग्रेजुलेट किया जाए वो कम है सर, बहुत हिम्मत की बात है। और ये हिम्मत, ये लगन, ये डेडिकेशन, दे डिज़र्व इट भाई। मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ कि वो इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्स थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वो यार दे न्यू उनका ना कि उनके वो देवर क्लियर इन देयर हेड्स कि हमने क्या करना है। आप उनकी बैटिंग उठा कर देख लें, आप उनकी बॉलिंग उठा कर देख लें, फील्डिंग उठा कर देख लें, आप उनकी फिटनेस उठा कर देख लें। देर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। या जब आप अफगानिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं उनकी जितनी तारीफ कीजिए, उनका कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं कि जो आपको 100% देता हुआ नजर आए। अब ग्राउंड के अंदर आपके सारे प्लेयर 100% देते हुए नजर आ रहे हैं तो यार देर इज वेरी लेस चांस कि आप हार जाएं। ऊपर से वो जो डेडिकेशन है उनकी, ठीक है, जो उनके अंदर एक नेचुरल अग्रेशन है वो आपके सामने है, तो अनबिलीवेबल यार, मज़ा आ गया कसम से। मैं आई एम एब्सोल्युटली स्टंड, मैं हैरान हूँ कि यार इन लोगों ने ब्रायन लारा ने इनको कहा था कि ये सेमीफाइनल में जाएंगे और उस मैंने पता नहीं ब्रायन लारा के बाद कहा था या समथिंग कि मुझे इनके चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने CPL और वो बाकी कैलकुलेशंस के हिसाब से बात की थी और फिर जिस तरीके से इन्होंने खेलना शुरू किया। बहुत बहुत मुबारक हो अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को। अब उनका सामना होगा साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल में, देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।